नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति तागड़े प्रिज्म संस्था की अध्यक्ष आज हेल्थ केयर अवेयरनेस प्रोग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। जैसे कि डेली मैं आप लोगों से जब चर्चा करती हूँ तो लोगों के द्वारा मुझे कोई ना कोई बीमारियों से किस तरह से हमें निजात पाना है और क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी है इसके बारे में पूछा जाता है। तो एक दो दिन पहले ही मैंने जब डाला फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तो सबसे पहले मुझे लोगों ने मैसेज के माध्यम से ये बताया कि हमें आप एपिलेप्सी जो टॉपिक है वो ज़रूर कवर करें अपने सेशन में। मैं कहा बिल्कुल हम करेंगे, और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि ये टॉपिक आप मैडम, अगर आप बहुत से ऐसे मध्यम वर्ग के लोग हैं जो इंग्लिश इतने नहीं समझ पाते हैं, तो आप इस टॉपिक को हिंदी में कवर करें। तो मैंने ये भी उनका सुझाव एक्सेप्ट किया और मैं आज एपिलेप्सी, इसके साइंस, सिम्टम और ट्रीटमेंट के साथ आपके सामने आई हूँ। मैं सभी दोस्तों से, भाइयों, बहनों, बुजुर्ग, माता, सभी से यही कहना चाहूंगी, मिर्गी से घबराए नहीं, इसका उपचार करवाए। ठीक है, मिर्गी जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं, यह एक तंत्रिकी संबंधित विकार है। मतलब ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें रोगी को बार बार दौरे पड़ते हैं, मस्तिष्क में किसी गड़बड़ी के कारण बार बार दौरे पड़ने से की समस्या को ही हम एपिलेप्सी और एपिलेप्टिक शॉक्स कहते हैं। दौरे के समय व्यक्ति का दिमाग संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है, उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है। इसका प्रभाव शरीर के किसी एक हिस्से पर देखने को आप लोगों को मिलेगा, जैसे चेहरे पे, हाथ हुआ, या तो फिर पैर पर। लेकिन इन दो, जब ये दौरे पड़ते हैं, इन दौरे में तरह तरह के लक्षण होते हैं, जैसे कि कभी कभार बेहोशी, मतलब सामने वाला बेहोश हो जाता है, एकदम से गिर जाता है, हाथ पाँव में झटके लगने लगते हैं, मुंह से झाग निकलने लगता है। मिर्गी किसी एक बीमारी का नाम नहीं है, मैं बताना चाह रही हूँ, अनेक बीमारियों में मिर्गी जैसे दौरे आ सकते हैं। मुख्यतः मैं आपसे बताना चाहूँगी मिर्गी के लक्षण। पहला, जैसे मैंने आपको बताया, मिर्गी का अर्धमूर्छित होना, मतलब मिर्गी से मरीज जो है बिल्कुल अर्धमूर्छित हो जाता है, मतलब बिल्कुल कॉन्शियसनेस उसमें रहती ही नहीं है, सब कॉन्शियस, बिल्कुल उसे पता ही नहीं है वो किस स्टेज पे है, क्या कर रहा है। दूसरा, मुंह से झाग आना, जो मैंने अभी आपसे कहा, होंठ और चेहरों का नीला पड़ जाना। कुछ मरीज जीभ को दांतों से चबाने लगते हैं, ये भी एक इसका सिम्टम है। अब क्या है इसका कारण, यह आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको, आपके सामने ये बताना चाहूंगी, मिर्गी के दौरे मुख्यतः दिमागी कमजोरी के कारण होते हैं। यह कमजोरी आनुवंशिक या किसी अन्य कारण से भी हो सकती है, आनुवंशिक मीन्स जेनेटिकली भी हो सकती है, और कोई और भी कारण इसके पीछे हो सकता है। मिर्गी के दौरे पड़ने के अहम कारण कुछ इस प्रकार है, जैसे यह रोग सामान्यतः मस्तिष्क की कमजोरी के कारण होता है। मैं पुनः रिपीट कर रही हूँ, मस्तिष्क में ब्लड का जो फ्लो है, रक्त का स्त्राव होने या खून का थक्का जम जाने के कारण भी मिर्गी के दौरे आते हैं। मस्तिष्क में संक्रमण होना, यह भी एक इसका मूलतः कारण हो सकता है। गर्भावस्था की जटिलता की वजह से भी माता को गर्भावस्था में हुए दिमागी संक्रमण या तो फिर दिमागी बुखार हो जाता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब हमें ध्यान में क्या रखना है, किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी,
जिन कारणों से दौरे पड़ने की आशंका रहती है उनसे खासतौर पर हमें बचना है। हमें किसी भी तरह का स्ट्रेस लेवल नहीं रखना है। मिर्गी रोगी को तैराकी, ड्राइविंग, खतरनाक मशीनों पर काम करने से आपको बचाना है। इसके अलावा नियमित रूप से और नियमित समय पर दवाई का सेवन करना और तथा अपने जो डॉक्टर है उनसे सलाह लें, मतलब कहीं भी उनका ट्रीटमेंट इन बिटवीन बंद ना करें, आप उनसे संपर्क में रहें। फास्टिंग आपको बिल्कुल नहीं करना है इस कंडीशन में, व्रत नहीं करना है। मैं फिर से कह रही हूँ, शराब का किसी भी तरह से सेवन हानिकारक हो सकता है। देर रात तक ना जागे, ये भी एक कारण है। मींस मरीज को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मैंने भी, मतलब मेरे भी ऑफिस में एक फैकल्टी थी, शी सेड आई हैव द सिम्पटम ऑफ एपिलेप्सी। शी नेवर नो व्हेन शी फेंट इन द बस एंड रोड एनीवेयर, सो इसीलिए वो गाड़ी अवॉइड करती थी। तो भाई ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा सीवियरिटी के, क्योंकि उसे पता ही नहीं है जब उसे अगर चक्कर आ गए, कहीं गिर गई, कहीं एकदम से ये अटैक आ गया, तो इस कंडीशन में शी डजंट नो व्हाट हैपन विथ हर। तो प्लीज़ बी केयरफुल। अब मैं बताना चाहूँगी कि इस तरह के जब भी आपको दौरे आते हैं, इस दौरे की स्थिति में क्या करें। मिर्गी के समय जो मरीज है जिनको दौरे आते हैं, जिस दौरान उसके शरीर की गतिविधि सामान्य रहती है, या हम कहें या उनकी एक्टिविटीज़ हमें लग रही है कि सामान्य नहीं है, इस दौरान अगर मरीज का सही उपचार ना मिले तो स्थिति चिंताजनक हो जाती है। मतलब मैं यही कह रही हूँ, कुछ ना कुछ सिम्टम्स हमें लगेगा कि उसका बिल्कुल वो अटेंटिव ही नहीं रहेगा। तो हमें ये सिम्टम्स जब हमें मिलने लगे तो हमें प्रिकॉशन लेनी है। ओके, सेकंड हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है, मरीज को जो भी पेशेंट है ज़मीन पर या समतल स्थान पर करवट से लिटा दे या उसकी गर्दन एक और मोड़े, ताकि मुंह में जो जमा हुआ लार है और जो झाग उसके मुंह में आ रहा है, वो जो अगर आप टर्न करोगे उसकी नेक तो बाहर की तरफ आए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं एक और चीज़ बताऊँगी, अगर आपको लगता है इस तरह के पेशेंट के पास अगर फर्नीचर, तेज, कोई नुकीली या चुभने वाली वस्तु है, तो उसे तुरंत हटा दे कि वो किस कंडीशन में फेंट हो रहा है, कहाँ हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये कंडीशन है तो आप ये तो प्रिकॉशन ले सकते हैं। अगर दौरा उसे पड़ता है किसी भी तरह का, अगर उसको एपिलेप्टिक शॉक पड़ता है, तो दौरे के तुरंत बाद दूसरा दौरा शुरू हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करे। मतलब रिकरेंट नहीं होना चाहिए। अगर इन दैट सिचुएशन इट हैपेंस जस्ट सडन ही फेंट एंड सडन ही ओके ही इज लाइक ओके एंड देन अगेन इट विल हैपेंस, सो इमीडिएटली यू रिफर टू द डॉक्टर। ओके, सो दौरे में जो पड़ने पर मरीज को बदबूदार जूते या आप कहो सड़े प्याज न सुंघाए, यह सब मिथ्स है। लोग क्या करते हैं, उसको पेशेंट को शौक आया तो मोजा सुंघा देंगे या बदबूदार कोई भी चीज़ सुंघा देंगे, ये सब नहीं करना है हमें। अब करना क्या है, क्या है उपचार इसका, तो मैं बताना चाहूँगी, यह मिर्गी है तो एक बीमारी, लेकिन यह लाइलाज नहीं है। जो रोगी कुछ सावधानियाँ तथा उचित उपचार के साथ बिल्कुल सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इसके लिए किसी अच्छे विशेषज्ञ को आपको दिखाना पड़ेगा, उनकी सलाह समय समय पर लेनी पड़ेगी, जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अब बात आती है, अगर हम आगे इसमें देखें तो बहुत सारे केसेस आते हैं, आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यही बताना चाहूंगी कि यस,
हमें वो चीज़ को भी ध्यान रखना है, क्योंकि सिंपली दिस इज लाइक एपिलेप्सी इज अ डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन, एज आई टोल्ड दैट इट इज कैरेक्टराइज बाय द सीजर्स, एंड दिस सीजर्स इज यूजुअली डिफाइंड एज अ सडन अल्टरेशन ऑफ बिहेवियर ड्यू टू टेम्पररी चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन. सो नॉर्मली द ब्रेन जो है द कंटिन्यूसली generates tiny electrical impulses in an orderly pattern. और अगर यही जो pattern है impulse generation का, this impulse travels किसके through होता है, along the neurons. So the network of nerve cells in the brain and throughout the whole body via chemical messenger. और इन्हीं chemical messenger को हम neurotransmitters बोलते हैं. अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है इन एपिलेप्सी, द ब्रेन इलेक्ट्रिकल रिथम्स हैव अ टेंडेंसी टू बिकम इम्बैलेंस, सो जिसके कारण दैट रिजल्टिंग इन एन रिकरेंट सीजर्स व्हिच इज वेरी मच हजार्डियस. सो इन दिस पेशेंट विद अ सीजर्स एंड द नॉर्मल इलेक्ट्रिक पैटर्न इज डिस्ट्रप्टेड बाय अ सडन सिंक्रोनाइज बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट्स मूव or sensation. So you need to take special care in that situation. Let me tell you one thing also, like epilepsy is usually diagnosed after a person has had at least of two seizures that were not caused by the some known medical condition such as alcohol withdrawal and the extremely low blood pressure, low blood sugar level. Okay, so now comes to the types of seizures. Hindi mein I already told you, like now I'm converting it into English also. So type of the seizures, so seizures worry so much that the epilepsy specialists frequently reclassify these seizure types like primary generalized seizures and the partial one. The difference between this type of seizure is in how they begin. So primary generalized seizure, as you know, the word itself define, begin with a widespread electrical discharge that involves both sides of the brain at once. And in case of partial seizure, that begins with an electrical discharge in one limited area of the brain. Okay. So now I'm just telling some factors may increase the risk of seizures in the people's predispose of two seizures. Like as I mentioned, the stress, second sleep deprivation, fatigue, insufficient food intake, alcohol use, might be drug abuse also, and the failure to take prescribed anticonvulsant medication, so that will cause the recurrency. Okay, about half of the people we saw that who has having one seizure without a clear cause will have another one. So usually within 6 months a person is twice as likely to have another seizure if there is known brain injury or other type of brain abnormality. Okay, so if the patient does have two seizures, there is about 80% chance of having more. If the patient does have two seizures, there is 80% chances of having more, I said. And if this first seizure occurred at the time of an injury or the infection in the brain, it is more likely the patient will develop epilepsy than if the seizure did not happen at the time of injury or at the time of an infection. Now, what is the prevalence and the incidence? So as per the the survey, if we go through the survey, epilepsy affect 3 million people in the USA and 50 million people worldwide. Got it? Epileptic seizures may be
tied to the brain injury or genetics. But for 70% of epilepsy patients, the cause is still unknown. So what happened? The epilepsy like affect more than let's say more than 3 lakh under the age of 15, and it's like 90,000 young people in this age group have seizures that have cannot been adequately treated. So it's really a serious issue. The onset rate starts to increase when individual age particularly has the developed the stroke, brain tumors, or the Alzheimer disease. So all of which may cause epilepsy. So more men than women have epilepsy. As per the literature, this is also the scientific data has said that it is more common in the man than a woman. And the children and the adolescents are more likely to have epilepsy of unknown or genetic origin. So the cause is not known. So brain injury or the infection can cause epilepsy at any stage of our life. The epilepsy, as per the report, that 70% of the children and adult has suffered. Okay, so now epilepsy risk factors comes to this parameter. So my dear friends, let me tell you the the risk factor of the epilepsy is the premature birth or low birth weight, trauma during birth, seizures in the first month of life, abnormal brain structure at birth, okay, bleeding in the brain, serious brain injury because lack of oxygen transport to the brain, infection of the brain such as meningitis, encephalitis, stroke resulting from blockage of the arteries, mental disabilities that leads, okay. So seizures this occurring within a day after head injury. So family history of epilepsy or fever related seizures and Alzheimer disease, lengthy fever related like febrile seizures jise hum kehte hain, alcohol and drug abuse. So this all are you supposed to be considered as a risk factor, epileptic risk factor. Now comes to the diagnosis. As per the survey, a doctor make his or her epileptic diagnosis based on the symptoms. Okay, I already told the symptoms is not same. The physical sign and the result of such test as in it's a EEG, electroencephalogram. Electroencephalogram EEG and MRI जो हम करते हैं whole body की magnetic resonance imaging. So it is essential that the type of epilepsy and the type of seizure both are diagnosed properly. There are major classification of seizures we know that, and most of these are associated with some of the specific form of disorders which we don't know. So we need to go for the checkups, like we have to go for the MRI and EEG, then only we can prepare some of the treatment. So what about the treatment? Well, epilepsy may be treated with anti-epileptic medications, diet therapy we have, and the surgery. So medication are the initial treatment choice for almost all the patients with multiple seizures. Some people only who have a single seizure and have who has tested do not indicate a high likelihood of seizures and their recurrence may not need the medication. This medication treatment the symptoms of epilepsy like seizures rather than curing the underlying condition.
दे आर हाईली इफेक्टिव एंड कम्प्लीटली कंट्रोल सीजर्स इन द मेजोरिटी ऑफ द केसेस दोज हु आर सफरिंग. ओके, तो द ड्रग्स दैट प्रिवेंट्स द सीजर फ्रॉम स्टार्टिंग बाय by reducing the tendency of our brain cells to send the excessive or confused electrical signals. So with many different anti-epileptic drug, I'm again repeating, many of the anti-epileptic drug currently available, and choosing the right medication for an individual patient has been has really become a complicated procedure. But choice of medication that depends on a variety of factors, some of which includes like the seizures, the recurrence, and the type of epilepsy, the likely side effects of an medication, or the medical history of the patient, have potential interaction with the patient, other medication, their age group, gender, and the cost of the medication. Each and everything we have to look after. Okay, before going for any drug is prescribed, patient should discuss potential benefits and the side effects and the risk factor, those who are associated with that particular medication. This is all about the medication part. I'm not explaining the drug that is already mentioned in a book. Okay, all right. So now coming towards the diet therapy, may be utilized in some of the patients with a specific form of epilepsy. So the most of common diet utilized are the ketogenic diet. So, and the modified Atkins diet. Okay, let me tell you, the ketogenic diet is a special high fat adipose protein and low carbohydrate diet that is initiated over 3 to 4 days in the hospital. And the modified Atkins diet is similar to the ketogenic diet, but is slightly less restrictive than the ketogenic one. So both these ketogenic and Atkins diets have been shown to reduce the seizures in approximately half the patient. It reduces the symptoms, so that will be good. All right. So you need to identify an appropriate candidature that is very much required, and these are mainly children with having refractive epilepsy who are not surgical candidate. We are going for this, approximately we say 70% of the patient have well controlled seizures with these modalities. So the remaining 30% do not or are considered medically resistant. So the patient with medical resistant tendency, so the patient having medical resistance epilepsy are often treated at a specialized epilepsy center in a multidisciplinary fashion. They have to prefer for that. All right. Okay, now comes to the as I already told, the EEG and MRI, you have to go for that. Okay, and it's in the severity, you also go for the PET, it's positron emission tomography. That is also like PET scan. What happened? PET scan look at the metabolic activities of the brain and allow physician to determine the brain function, brain is functioning normally or not. So it might be a good option. And apart from that, PET, it's having a single photon emission computed tomography as PET. So what happened when a patient has a seizure? An increased amount of blood flow to the brain region when the seizure begins. So in this condition, this single photon emission computed tomography scan performed during the season can identify the brain region where the blood flow increases and thus indicate where they begin. So through this SPECT scan are the performed when the patient is admitted to the hospital for video EEG monitoring.
these are the neurophysiological evaluations, the functional MRI, the PET, which is required, and really it's needed before going for the any medication, any treatment. It's required. So okay, now what question do we have? Okay, functional mapping. A functional mapping, let me tell you, this is just usually performed in a patient with implanted subdural electrodes while they are in the EMU, and after sufficient number of seizures are recorded. So what happened, a brief electrical stimulation is provided through हर इलेक्ट्रोड्स के साथ सेपरेटली, ताकि वो हम ब्रेन के जो पार्ट्स है उसकी अच्छे से नॉर्मल फंक्शनिंग को देख सके. दिस इज पेनलेस, इसमें मतलब ऐसा कोई पेन नहीं होगा. एंड द पर्पस, मतलब इसका मेन पर्पस यही होता है कि हम टू मैप आउट द क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ आवर ब्रेन, सच एज दोज नेसेसरी, जैसे हमारी मोटर, सेंसरी, लैंग्वेज फंक्शन, क्योंकि ये सब अफेक्ट करता है ड्यूरिंग दिस पीरियड. सो इसीलिए हम ये अलाउ करते हैं दिस फंक्शनल मैपिंग. ओके, दिस अलाउज टेलरिंग ऑफ सर्जिकल रिसेक्शंस टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ मेजर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आफ्टर सर्जरी. सो दैट्स व्हाई दिस मैंडेटरी. ओके, एनीथिंग एल्स यू मे राइट इन द चैट बॉक्स. Okay. Do you want to know about the vagus stimulation? See, vagus nervous stimulation. You know that it's like the nerve stimulator. If we draw, if we can see about the FDA, the vagus nerve stimulator is an FDA approved device. It is an approved, और जो कि हम epilepsy के treatment में use करते हैं, that is not controlled with anti-epileptic medication. इसमें क्या होता है, जो surgical placement of electrode around the vagus nerve. Vagus nerve के around हम क्या करते हैं, electrodes को रखते हैं in the neck and generator placed below the collarbone. In the upper chest region, it requires two separate incisions. दो separate अलग अलग incisions लगेंगे, but in an outpatient procedure. So subsequently क्या होता है, a programmer जो भी इसको कर रहा है can be used by the your epileptologist जो इसका करता है study to change the intensity, duration and the frequency of stimulation to optimize the seizure control. जैसे कि आप वो देखते हैं कि इसमें क्या करंट पास करेंगे, फ्रीक्वेंसी देखेंगे, तो इस तरह से हम उसका नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हम इसे देखते हैं. तो इट इज़ एन ऑप्शन फॉर दोज हु आर नॉट अ कैंडिडेट फॉर अदर टाइप ऑफ सर्जरी. जनरली हम देखते 40-50% अगर पेशेंट की बात करें तो, बट रेयरली ये एलिमिनेट्स ऑल सीजर्स. ओके, एनीथिंग एल्स? लास्ट मैसेज व्हाट आई एम गिविंग यू. यू मे राइट डाउन द क्वेश्चंस, आई एम जस्ट स्टिल, आई हैव 5 मिनट्स मोर. यस, डेफिनेटली. What happened, the people think that epilepsy is divine simply because they don't have any idea what causes epilepsy. But I believe that someday we will understand what is the cause of epilepsy and at what level we have to treat, we have to take care of such patient. So we will cease to believe that it's divine, and so it is with everything in the universe. It's easier to say that okay, we have come up with that, but it's not. Somebody required so much, he has to be very strong to face such type of conditions. So for a man by a magical arts and the sacrifices
will bring down the moon and the darken the sun, and I induce a storm or fine weather. I should not believe that there was anything divine, but human in this thing provided the power of the divine. We are overpowered by human knowledge and subjected to it. So what happened? The human brain is the universe's most impossible science experiment. And just last message I just wanted to give, believe yourself, everything will work properly, and you need to be positive in each and every circumstances. All right, so exactly, it is a tough time for those who is suffering from the epileptic condition, but it is not long lasting. You have somehow you will be come up with this symptoms and you will be all right. With this word, I just conclude. Anyone in any question, you may write on my mail so that I can answer. I just write in a chat box my email ID. It's founder@prizzle.in. And please don't forget to subscribe the channel by clicking the bell icon of Prizzle. PRISL, Prizzle Pharmaceutical Royal International Society. Thank you so much.